अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ और वीडियो मैंने अपलोड की, आप लोगों की काफ़ी सारी मोहब्बत मिली, काफ़ी सारी अप्रिसिएशन मिली, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह, तो अल्लाह की मदद से, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह हम आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। एक छोटा सा वाइब्रेशन, जो इंजन वाइब्रेशन टेस्ट है, वो मैंने बनाया है इस गाड़ी का, और ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात होती है कि यार अल्ट्रेशन जब हो जाती है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, ठीक है, इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो उन सब लोगों के लिए ये एक छोटी सी वीडियो है। आप वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको टोटल कॉस्ट पे बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने बताना था, लेकिन वो जो जितना काम था उसको कवर करना चाह रहा था जितनी शॉर्ट हो सके, 27 मिनट की वीडियो थी, काफ़ी बड़ी, तो उसके बाद फिर मैं कॉस्ट पे भी बात करता हूँ उसी वीडियो में, तो मेरे ख्याल में वो पहुंच जाती कम से कम 40-45 मिनट तक पहुंच जाती, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने सोचा चलें इसके लिए एक और अलग वीडियो बनाएंगे। आप ये वाइब्रेशन टेस्ट देखें और उसके बाद फिर बात करते हैं कॉस्ट पर और इंजन की बाकी सारी चीज़ों पर, फीचर्स पर। और एक भाई ने पूछा था कि यार हॉर्स पावर कितना है, इंजन कौन सा है, तो उसके बारे में बताता हूँ। आप वीडियो देखें। अच्छा जी, वीडियो आपने देखी। मैंने एक ग्लास पानी का भर के इंजन के ऊपर रखा, गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी मैं ले आया था, ये आज सुबह की वीडियो थी, क्योंकि कस्टमर आ रहे थे गाड़ी लेने, डिलीवरी देनी थी। 3 दिन से गाड़ी खड़ी रही मेरे पास ही, और 3 दिन बाद ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की, और स्टार्ट करते साथ ही मैंने ये ग्लास पानी का भर के और ये वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए। इंजन में किसी किस्म का कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, कोई किसी किस्म का वाइब्रेशन का कोई मसला नहीं। अगर होता तो मेरे ख्याल में ये इतनी वाइब्रेशन होती है जब इंजन अच्छे से ना डलाओ, तो फिर इतनी वाइब्रेशन होती है कि आप खाली ग्लास भी नहीं रख सकते इंजन के ऊपर। तो सक्सेसफुल रहा, अल्लाह का शुक्र है। और अब आते हैं कॉस्ट पर बात करते हैं। तो मैंने अपनी जो प्रोजेक्ट मेहरान थी उस पर मैंने डिटेल में एक 15-20 मिनट की वीडियो भी बनाई थी, आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर, वो मैंने हर एक चीज़ हाईलाइट की हुई है। इसका मैं एज अ होल बता देता हूँ कि इस गाड़ी पे क्या एक्सपेंस आया और क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले इसकी डेंटिंग हुई, ठीक है, डेंटिंग में तकरीबन हमारा तकरीबन 30,000 लेबर था, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 15,000 रुपये के बॉडी पार्ट्स आए, तो ऑलमोस्ट 45,000 हमारे डेंटिंग पे लगे। इसके बाद पेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी का निपोन की कवरिंग और 2K का ओरिजिनल जो जैपनीज पेंट है वही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो तकरीबन ये अंदर बाहर स्प्रे था, तो 35,000 ये सिंपल
प्लेन कलर है, तो इसके हम 35,000 कॉल वो करते हैं, चार्ज करते हैं अंदर बाहर स्प्रे के, ठीक है। गाड़ी बाहर भी स्प्रे हुई है, अंदर भी स्प्रे हुई है, इंजन रूम भी स्प्रे हुआ है, ठीक है। तो वो उसके तकरीबन 35,000 बने, और इंजन के 3-speed इंजन था तो ये तकरीबन 1,40,000 इंजन की के जो जितनी चीज़ें थी, उसके रेडिएटर, इंजन गियर, कंप्यूटर वायरिंग, इसके अलावा जो वो थे जितना भी कंसोल बॉक्स था, गियर का जो शिफ्टर था और ब्रेक असम्बली वगैरह पूरी, ठीक है, टैंकी, फ्यूल पंप, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, 1,40,000 रुपये। और उन्होंने हमें पुराना इंजन भी दिया था, ठीक है, साथ। और इसके अलावा जो पावर स्टेयरिंग है और सर्वो ब्रेक्स हैं, ये मैं 18,000 रुपये के पैकेज में लगा के दे रहा हूँ नॉर्मली। तो सर्वो ब्रेक भी अच्छे वाले और पावर स्टेयरिंग भी सेंसर वाला, जो पावर स्टेयरिंग है नॉर्मल नहीं लगा रहा मैं, वो रिस्की है, मेहरान में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और जो हम लगा के दे रहे हैं सेंसर वाला, वो काफ़ी अच्छा है, और एक तो यह है कि लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके अलावा यह है कि मैंने काफ़ी लगाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला उधर से, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा जो है सस्पेंशन पे बात करते हैं, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 45,000 इसकी गाड़ी के सस्पेंशन पे लगे। इसमें फ्रंट की टोटल सस्पेंशन उसकी चेंज हुई, नई डली, बैक की भी शॉक्स, इसके अलावा जो ब्रेक के अंदर जो थे जितने भी चीज़ें थी, ब्रेक पैड्स हो गए, इसके अलावा व्हील सिलेंडर हो गए, वो सारा कुछ चेंज हुआ, ठीक है। मैंने वीडियो डिटेल वीडियो बनाई हुई है उस पर, वो चेंज हुआ। इसके अलावा कमानियाँ, ठीक है, वो सिंगल कमानियाँ डली, और शॉक्स बैक के भी, इसके अलावा जितने भी आगे पीछे चीज़ें थी वो सारी चेंज हो गई, ठीक है। तो 45,000 हमारे उस पर आए, और इसके अलावा फिर माइनर कुछ चीज़ें आगे पीछे थी होने वाली, ऑलमोस्ट तकरीबन 2,70,000 रुपये गाड़ी पे लगे हैं इन सब चीज़ों पे। तो आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी लें जो एक्सीडेंटल ना हो और रस्ट ना हो उसमें, ठीक है। आप 90 मॉडल, 95 मॉडल कोई भी ले सकते हैं, तो उस पर फिर आपके तकरीबन आप कह लेंगे इसमें फिनिशिंग के साथ साथ अंदर इंटीरियर की सीटें वगैरह आगे चेंज करते हुए आपके 3-1 लाख रुपए लगते हैं गाड़ी पे। तो आप जहन में रखें कि 4-4.5 लाख रुपए में आपकी काफ़ी अच्छी गाड़ी तैयार हो सकती है, जो कि मेहरान 17-18 मॉडल जो आजकल 9-10 लाख रुपए की गाड़ी है उससे बेहतर होती है, EFI होती है, और बाकी सारी फीचर्स भी देखें, पावर स्टीयरिंग भी आ गया, सर्वो भी आ गया, जो कि 17-18 मॉडल में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसके अलावा इंजन का एक भाई ने पूछा था कि आपने इंजन का नहीं बताया, इंजन का मैंने पिछले अपनी जो प्रोजेक्ट मेहरान थी उसमें डिटेल से बताया था कि ये K6A सीरीज का इंजन है, बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ, मेहरान में अभी तक कोई भी नहीं लगा के दे रहा, सब अल्टर्ड लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ। तो आप सब लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ, और ये है कि इसका हॉर्स 660cc है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, और 3-speed इंजन है। जिनको नहीं पता तो ये उनकी, वैसे तो काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है इस बात का, लेकिन कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि आपने पिछली जो अपनी डिटेल्ड वीडियो है उसमें आपने इंजन के बारे में नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें, और आपको उम्मीद है समझ आई गई होगी कॉस्ट की भी, कि कितने आपके लगेंगे गाड़ी पे। अगर आपका आपकी रेंज ये है कि 4-4.5 लाख रुपए है या 5 के अंदर अंदर है तो आप मेहरान ले सकते हैं। अगर आपकी 7 लाख रुपए रेंज है तो आप अल्टो VXR पे जाएं, मैं आपको सजेस्ट वो करूँगा, आप मेरे पास आएं, गाड़ी लेकर आएं, हम आपको अल्टो VXR इंशाल्लाह बना के देंगे इसी तरह ऑटोमेटिक। अगर आपकी रेंज 3-3.5 लाख रुपये है तो आप FX ले सकते हैं, और अगर खैबर के शौकीन हजरात है तो उनके भी 4-4.5 लाख रुपए लग सकते हैं, 5 लाख रुपए भी लग सकते हैं। उसमें विड्स का इंजन डलेगा, उसमें थोड़ा सा खैबर का सामान मेहरान और FX से महंगा है,
तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं और बनवाना चाह रहे हैं हमसे, तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपकी मोहब्बत का, और मैं जितना भी कह लूँ कम है। हमेशा मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखें, आपसे दुआओं की दिजाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और चैनल किसी ने अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बहुत होते हैं और सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम हैं। वो जो हारिस भाई हैं हॉर्स पावर वाले, तो उस दिन भी उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई हुई थी कि यार ये ज्यादती है, 93% लोग जो हैं उनके, आई थिंक 91% सब्सक्राइब नहीं कर रहे और बाकी सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारा एक सपोर्ट होता है कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सारी एक हमारी एक फैमिली है, और जब भी आप आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह आपको एक अपनाइयत का इंशाल्लाह फीलिंग्स भी आएंगी, और हम हमेशा आपको जितनी हमसे हो सके इंशाल्लाह आपकी आपको अच्छा काम करके देंगे, और आप यहाँ से खुशी खुशी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।